गेट ऑफ की प्लेस मिया घर का बाथरूम है होटल का नहीं फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विथ हिंदी इटालियन कलेक्शन मैं यामिन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। सड़क हादसे कहिए अब ये जैसे रोजाना की बात हो चुकी है एकदम आम बात हो चुकी है अब आप अखबार उठाइए या YouTube चैनल्स खोलिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलता है कि हमारे श्री विजयपुरम शहर में किस कोने में कहाँ पर कौन सा सड़क हादसा हुआ है हम अपने चैनल के माध्यम से आए दिन जो है सड़क नियमों का पालन करने के बारे में आप लोगों को बताते रहते हैं इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं साथ में हमारी प्रशासन कहिए या पुलिस विभाग कहिए वे भी जो है नियमित तौर पर समय दर समय हम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए विज्ञापन के जरिए कहिए या सोशल मीडिया के जरिए कहिए वे हमें चेताते रहते हैं कि किस तरीके से हमें सड़क नियमों का पालन करना चाहिए उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए मगर उसके बावजूद भी जो है दुर्घटनाओं का सिलसिला कम होता नजर नहीं आ रहा है कभी दुर्घटनाओं में किसी की जान चली जाती है तो कहीं हम देखते हैं कि लोग किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होकर हाथ पांव तोड़ा लेते हैं काफी बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं जख्मी हो जाते हैं जीवन भर उनको जो है उसी उसी अवस्था में अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ती है इन सब से बचने का एकमात्र समाधान यही है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं, तेज गति में गाड़ी ना चलाएं, रैश ड्राइविंग ना करें ऐसे कुछ कुछ नियम है जो हम लगातार बताते रहते हैं अगर हम इन चीजों का पालन करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं आज तकरीबन नौ बजकर पचपन मिनट दस बजे के आसपास जो है उनतीस सितंबर 2024 को ठीक कॉर्बिंस को बीच से मात्र दो ढाई मीटर दूरी पर जो कार्बिस्को से जब आप बाजार की तरफ जाते हो तो वहां से दो ढाई सौ मीटर की दूरी पर आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो फेंसिंग टूटा हुआ है जो बचाव के लिए ही लगाया गया था इस फेंसिंग को तोड़ते हुए बाजार की तरफ से स्कोप जो रास्ता है वहां से आते हुए उस रास्ते में एक मारुति अर्टी का गाड़ी जिसमें दो लोग सवार थे यहाँ पर जो चश्मदीद है उनके अनुसार ये उनकी गति काफी तेज थी और ना जाने ऐसा क्या हुआ कि वो जो है इसे तोड़ते हुए समुद्र में जा गिरे क्या आप उस मंजर को सिर्फ कल्पना भी कर सकते हो कि वो कितना भयावह रहा होगा उस वक्त लेकिन एक अच्छी बात ये हमें सुनने को मिली है कि दोनों व्यक्ति जो उसमें सवार थे दोनों एकदम सुरक्षित है उन्हें ज्यादा कुछ चोट नहीं आई लेकिन फिर भी हमारे ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पे अब नियम के अनुसार उनको सबसे पहले मेडिकल भेजे हैं ताकि उनका मेडिकल चेकअप हो जाए और अगर उन्हें किसी भी तरह की चोट लगी है तो उसका पता चल जाए और साथ ही यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े थे थोड़ी देर पहले और कुछ चश्मदीद भी थे वे कह रहे थे कि गाड़ी की गति काफी तेज थी और कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने गाड़ी की गति तो नहीं देखी वे चश्मदीद नहीं थे मगर बगल में ही बैठे थे और बहुत जोर से आवाज आने पर वे भागकर कर यहाँ पर जब आए तो देखे गाड़ी ठीक वहां समुद्र किनारे के ऊपर गिरी पड़ी हुई थी और फिर उन लोगों की मदद करने के लिए कुछ लोग फटाफट पहुंचे अंदर जो ठीक हालात में नहीं थे एक तरफ से अगर आप गाड़ी की हालत को देखोगे तो उसका एक साइड जो है वो बुरी तरह पिचक चुका है और उसका दरवाजा खुलना नामुमकिन था तो दूसरी तरफ से उनको खेच तान कर निकाला गया आखिर ये हुआ तो फिर क्यों हुआ इसकी वजह क्या थी रोड तो बहुत अच्छी खासी रोड है यहाँ पे और 10 बजे के वक्त कोई ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, तो इसका वजह क्या है क्या गाड़ी में कोई दिक्कत थी या जो ड्राइवर्स थे वे बहुत ज्यादा स्पीड में थे या नशे की हालत में थे या क्या थे इसकी हम अभी पुष्टि नहीं करते हैं हम एक प्रयास करेंगे कि हम जीबी पंत अस्पताल जाए जहां पर उनको अभी फटाफट रेफर किया गया है और परिस्थिति जाने की कोशिश करें कि आखिर ये जो दुर्घटना हुई है ये किस वजह से हुई है लेकिन हम एक बात अवश्य आप सब से कहेंगे कि अगर इसी सड़क दुर्घटनाओं को हमें हमारे शहर श्री विजयपुरम में रोकना है या अंडमान निकोबार में इसे हमेशा के लिए खत्म करना है तो उसका एकमात्र समाधान यही है कि हम खुद जागरूक हो जाए हम खुद से समझे कि यह कितना जरूरी है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत ही गाड़ियां चलाएं जो जो जो, जो चीज नहीं करने को कही गई है उसे हम ना करें जैसे तेज गति में गाड़ी चलाना नशे की हालत में गाड़ी चलाना बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाना अपने गाड़ियों के पेपर को अपडेट रखना हमेशा इन सारी चीजों पर हमें ध्यान देनी पड़ेगी हमें किसी और को बोलने की जरूरत नहीं जैसा मैं अक्सर कहता हूँ अगर इन बातों पर हम खुद अमल करेंगे इसको गंभीरता से लेंगे और इसको हम फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे शहर तो छोड़िए हमारे पूरे अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटनाओं का एक मामला भी सामने नहीं आएगा और न जाने कितनी जाने बच जाएगी ऐसी सड़क दुर्घटनाओं में कभी जान चली जाती है तो वही कई कई बार लोग अपंग हो जाते हैं आज जीवन जो है दूसरों पर मोहताज हो जाते हैं कभी आप बच जाते हो दूसरे जिनको चोट लगता है वे चोटिल हो जाते हैं, उनकी नहीं जो दो थे, वो जाके वहां गाड़ी में गिरे अब इससे उनको खुद को कितना नुकसान हुआ होगा उनकी गाड़ी तो गई इंश्योरेंस से मिलेगी नहीं मिलेगी वो अलग बात है मगर उनके जीवन में इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा इन सारे समस्याओं से बचने का एक मात्र मूल मंत्र यही है कि हम जो है ट्रैफिक नियमों का पालन करें जब खुला रास्ता है इसका यह मतलब नहीं कि आप कितनी भी गति में गाड़ियों को चलाएं, क्योंकि गाड़ी का नियंत्रण खोना यह बहुत आम हो जाता है इसीलिए कई जगह पर हमें विज्ञापन के तौर पर दीवारों में या अखबार के पन्नों में लिखा हुआ दिखाई देता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी और वो सावधानी एक पल की भी हो सकती है उस एक पल में भी आपका ध्यान जरा सा भी भटकता है तो दुर्घटना होने में देर नहीं लगती है इन सारी बातों के महत्व को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें जब तक गाड़ी यहाँ से निकाल कर पुलिस वाले लेकर नहीं गए तब तक वे यही पर थे तो हम उनसे जानते हैं की आखिर पूरा माजरा क्या था उन्होंने क्या देखा कैसे हुआ सर हम लोग वहाँ बैठे थे झटका में आवाज आया सो हम लोग आके देखे तो ऐसा अच्छा होके पड़ा था Okay. फिर हम लोग आके उनको हाथ उठ थोड़ा ऊपर उठकर आया उठाया फिर उसके बाद अचानक एम्बुलेंस को फोन किया अच्छा एम्बुलेंस सात मिनट में आ गया इधर पे okay. एम्बुलेंस आते पुलिस वाला मिनट के अंदर में हैं पहुंच गया उसका दो मिनट बाद पुलिस वाला भी आ गया okay. फिर आने के बाद उनको एम्बुलेंस में पट से लेके जाके फिर अभी सेफ है दोनों थाना में जाके आपने क्या देखा बेटा मैंने ही जाके अकेला जाके नीचे से उन्हें निकाला अंदर से पूरा ब्लड ब्लड हो गया था पूरा डैमेज हो गया था अच्छा, एक लड़का का हाथ फंस गया था दो जन थे अंदर एक जन का हाथ फंस गया तो बहुत मशक्कत में जाके निकाला है मुश्किल से क्या उनको ज्यादा चोट लगी नहीं नहीं उन्हें एक को खाली नाक से ब्लड आ रहा था बाकी इतना चोट नहीं लगा किसी को बस गाड़ी के दोनों जो आ, साइड के जो एयरबैग से वो तो खुल गए थे ना नहीं नहीं खाली सामने खुले साइड का एयरबैग नहीं खुला था उनका खाली पीछे से जो चप्पा हुआ था बस सामने का एयरबैग ही खुला था ओके आपने क्या देखा सर मैंने तो थोड़ा लेट हुआ था मैं जाते आते, आते तब तक आके मेरे दोस्त लोग आके नीचे उन लोग हेल्प करते थे हेल्प करके उन लोग सेफली बाहर के तब तक पहले पुलिस आ गया था फिर एम्बुलेंस आया पीछे पीछे अच्छा। आते जाते फिर हम लोग आके एम्बुलेंस में उनको चढ़ाया जो तो पुलिस और एम्बुलेंस को फोन किसने किया था फोन हम हम ही लोगों ने किया था शाबाश ओके ओके फिर पहले पुलिस आया उसी का पीछे जस्ट आके एम्बुलेंस आ गया अच्छा। आते जाते सबसे पहले आके उन लोग दोनों जो दो बंदे थे नीचे उन लोग दोनों को पहले सबसे पहले हम एम्बुलेंस में चढ़ा के भेज दिए right. उसके बाद फिर हम लोग कार में जाके चेक किए कि कोई है नहीं है तीसरा पर्सन उसके बाद फिर आके जो जो भी थाना का तरफ से जो भी काम करना था उन लोग आके करे थैंक यू थैंक यू सो मच और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये तीन शख्स ने जो है काफी मदद पहुंचाई है सबसे पहली बात थी कि ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जाना था हमारे पुलिस स्टेशन को और एम्बुलेंस को तो बच्चों ने यही काम किया इन लोगों ने सबसे पहले जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाने के लिए इन लोगों ने जो है एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया और एम्बुलेंस सात मिनट के भीतर यहाँ पर पहुंचे और उसके पीछे पीछे हमारे भी पहुंचे और इस पूरे मसले को को पर अभी सुलझाया फिलहाल जैसा मैंने कहा कि दो, दोनों व्यक्तियों जो है जीबी पंत अस्पताल लेके जाया गया है हम वहां पर भी एक रिपोर्ट आप लोगों को देंगे कि उन बच्चों की अभी हालत क्या है और साथ ही हम धन्यवाद करेंगे हमारे एम्बुलेंस को भी स्वास्थ्य सेवा को भी और साथ ही पुलिस विभाग को भी जिन्होंने बहुत जल्दी से इस पर रिएक्शन दिया और यहाँ पर पहुंचे और साथ ही हम आपको वो क्लिपिंग्स भी दिखाएंगे कि किस तरीके से क्रेन के माध्यम से जो है गाड़ी को यहाँ से खींचकर निकाला गया है और उसको फिलहाल पुलिस स्टेशन लेके जाया गया है ये ये भी बहुत जरूरी था कि इस समय में जो भी जल्दी मदद होती है वो पहुंचाने की और ये काम यहाँ पर तीन शख्स ने किया जिनको हम धन्यवाद करते हैं मगर किसी कारणवश वो कैमरा में नहीं आना चाहते हैं तो हम उनकी इन बातों का सम्मान करते हुए हम सिर्फ आप लोगों को उन तीनों बच्चों का ऑडियो क्लिप सुना रहे हैं जहां पर वे बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें जैसे ही पता चला इस घटना के बारे में वे तुरंत यहां पर आए और नीचे उतरकर उन्होंने बाकी दोनों लड़कों को ऊपर चढ़ाने में मदद की और साथ ही पुलिस विभाग और एम्बुलेंस को भी इन्फॉर्म किया और वे भी वहां जल्दी पहुंचे और यहाँ पर ये टोटल मसले को सुलझाया भी है तो जैसा हमने आप लोगों से कहा था कि हम अस्पताल भी जाएंगे और उन दोनों लड़कों का फिलहाल जो हाल है उस बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे हम आपको बता दें कि फिलहाल दोनों जीवी पंत अस्पताल के मेल सर्जिकल वार्ड में एडमिट है और डॉक्टरों के निरीक्षण में है हमें सूत्रों से ये पता चला है कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है दोनों को मामूली सी चोट लगी है और हम यहाँ पर पुलिस स्टेशन आए और हमें यहाँ पर पता चला कि जो ड्राइवर है वो नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था और ये भी एक वजह हो सकती है अब उनका अल्कोहल कंजम्पशन कितना था उसके शरीर में कितनी शराब की मात्रा थी ये अभी क्लियर हुआ नहीं है मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में इसकी पुष्टि हो सकती है लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जो ड्राइव कर रहा था लड़का वो नशे की हालत में था और फिलहाल गाड़ी जो है इस वक्त पुलिस स्टेशन की जब्त कर रखी है और आई एम श्योर कि आगे जो है इसकी कार्रवाई भी होगी और जो भी नेसेसरी एक्शन होंगे वो भी लिया जाएगा मैं हमारे तमाम से ये बार बार निवेदन करता हूँ कि कृपया करके जो है नशे की हालत में कभी भी गाड़ी ना चलाएं। देखिए मैं जैसा अक्सर कहता हूँ कि हम कई जगह पर विज्ञापन देखते हैं मामूली से शब्द होते हैं मगर उनके मायने बहुत होते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी और सावधानी हटने के कई वजह हो सकते हैं अगर आप मानसिक परेशानी से भी गुजर रहे हो तो आपका ध्यान भटकना लाजमी हो जाता है तो इसीलिए कहा जाता है कि जब आप मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं है उस वक्त भी आप गाड़ी ना चलाएं किसी भी परेशानी की हालत में किसी का सहारा ले लें आप बैठ जाए पैसेंजर बन के मगर जो इंसान स्वस्थ है उनको गाड़ी चलाने दे और नशे की हालत में खुद ड्राइव करना अंजाम क्या होता है इसका उदाहरण हमने कई बार देखा है फिर आप ओवर स्पीड ड्राइव करिए या रैश ड्राइविंग करिए इससे इससे होगा कुछ नहीं कुछ पल का मजा जरूर आएगा लेकिन अगर जरा सी भी सावधानी हटती है और दुर्घटना घटती है तो फिर वो मज़ा जो है जीवन भर का सजा भी बन जाता है तो क्यों हम लाए अपने आप को ऐसी परिस्थिति में कि हम अपने ही जिंदगी के साथ खेलें या दूसरों की जिंदगी भी इसकी चपेट में आ जाए अगर हम सावधानी से गाड़ी चलाएंगे सड़कों में जब हम उतरेंगे और ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हम ऐसी दुर्घटनाओं से बचते हुए अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रख पाएंगे इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामिन न्यूज एंड ट्वेंटी फोर सेवन जय हिंद